हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बनाएंगे सोया बिरयानी, बिल्कुल ही आसान तरीके से, जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए फिर बनाते हैं। सोया बिरयानी बनाने के लिए मैंने एक गन चढ़ाया है, इसमें 2 चम्मच सरसों तेल गरम करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने लिया है 2 बड़े तेज़पत्ते, 1 लाल मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 4 लौंग। ये सबको हम अच्छे से भून लेंगे। खड़े मसाले के लाल हो जाने पर मैं इसमें डालूंगी 2 बारीक कटे हुए प्याज और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, हमारा प्याज लाल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी सोया चंक, इसे मैंने अच्छे से भिगो कर रखा था। अब इसे डाल देंगे, इसे भी भून लेंगे। सोयाबीन के 5 मिनट भुनने पर हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 2 बारीक कटे हुए टमाटर इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें अब डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी फ्रोजन मटर, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इन सबको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम डालेंगे इसमें चावल। ये 1/2 किलो चावल लिया है मैंने, इसे 1 घंटा पहले धोकर रख दिया था। चावल को डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच नमक। चावल को डालकर हम 5 मिनट तक कम आंच पर भूनते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही, 1 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला और इन सबको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। चावल को आप नाप लें, उसी हिसाब से हमको 1.5 गुना पानी डालना है। इस चावल को मैंने इस मग से नापा था, इस मग से 1 मग चावल था, अब इसका 1.5 गुना हम पानी डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। पानी के सही नाप से आपके पुलाव या बिरयानी, आप जो भी बनाएंगे, बिल्कुल खिले खिले बनते हैं, इसलिए पानी का सही नाप बिल्कुल ज़रूरी होता है। अब हम इसे कम आंच पर ढक देंगे। दस मिनट बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे बीच में। और फिर इसे ढक देंगे। हम फिर से अपना ढक्कन हटा के देख लेंगे। ये देखिए, हमारा चावल बिल्कुल पक चुका है, इसमें पानी भी नहीं है। अब हम अपना गैस का आँच बंद कर देंगे। बंद करने के बाद भी हम इसे 5 मिनट ढककर ही रखेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे कुछ धनिया के पत्ते। ये देखिए, ये हमारा सोया बिरयानी बनकर तैयार है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।